हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक एक्सट्रीम लेवल व्लॉग। तो गाइस, अभी देख रहे हो पीछे एक स्कूल है। चलो, आज ना एक चैलेंज लगा हुआ है मेरे आदित्य शिवम और पीयूष रारा के बीच में कि कौन कौन मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर है सिग्नेचर ब्रिज तक पैदल चले जाएगा। ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा और चले जाएगा। मिलवा देता हूँ सबसे पहले मेरा दोस्त पीयूष, इसका भी यूट्यूब चैनल है, जिसका चैनल का नाम भाई बता दो एक बार। पीयूष सुलारा गेमिंग। और ये इसको तो मेरे दोस्त को जानते ही हो, आदित्य तिवारी। और शिवम मौर्य को आपको मिलवा देता हूँ। शिवम बड़ी स्पीड में भाई, ये है शिवम, इसे तो सभी जानते हैं भाई, ब्लॉग में आता ही रहता बंदा। इसी ने उस दिन 94 वाली पार्टी दी थी। और सबसे पहले बता दूँ भाई, उससे आवाज़ आ रही है, चलो चलो। अरे ये इसने निकाल लिया था। तो सबसे पहले बता दूँ कि एक मिनट यार, 2 मिनट भाई, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। अरे यार, वो कोई आ गया था इसलिए थोड़ा बोलने वाला। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ कि भाई वो जो 94 वाले मैंने भंगरी हाइट गया था, मैं भाई मानता हूँ भंगरी हाइट गया था, प्लान मेरा 94 का ही था। और कौन आज के टाइम में यूट्यूब पर भाई थंबनेल कुछ और डालता है, क्या कुछ और दिखाता है। लेकिन कुछ बंदे हैं जिन्हें समझ में नहीं आती भाई, बहुत बकवास करते हैं। लेकिन भाई मैं उनको चैलेंज देता हूँ, कैमरा उठाओ और ऐसे ऐसे पब्लिक के बीच में जाओ रोड पे, कैमरा उठा के 4 बात बोल के दिखा दो, 2 मिनट की वीडियो बना दो, मान जाऊँगा सारी वीडियो डिलीट कर दूँगा। जाओ बताओ, चैलेंज है मेरा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब चल के सिग्नेचर ब्रिज पे मिलते हैं और दिखाता हूँ आपको सिग्नेचर ब्रिज का व्यू। ओके गाइस, रास्ते में सिनेमैटिक एंजॉय। गाइस भाई ये बता, सिग्नेचर ब्रिज तक चले जाएगा? चले जाऊंगा बिल्कुल भाई। तू भाई? हाँ भाई, चले जाएगा। और भाई तू? देखा जाएगा भाई। भाई इसका देखा जाएगा, मेरा कंफर्म है, कुछ कह भी नहीं सकते यार। सिग्नेचर भी इतना दूर पास भी नहीं है। और फाइनली वो ब्लॉग आ गया जिसका मैंने 3 ब्लॉग पहले कह चुका था आएगा। आज वो ब्लॉग मैं डाल दूंगा, आज या कल मैं डाल दूंगा ब्लॉग। ये भाई ये भी ब्लॉग डालेगा, इसका भी ब्लॉग चेक कर लेना। ओके गाइस, मैं CRPF कैंप जहाँ पर मेरा फ़ोन छीना था वहाँ पे आ गया हूँ। आज धीरे से वीडियो बना लेते हैं छोटी सी, अलग मौके ही नहीं बनाऊँगा, इधर की बना रहा हूँ, इस तरफ की इधर तो दिखाता हूँ और आपको सामने सिग्नेचर भी दिखा देता हूँ। उस दिन मैं यहाँ की बना रहा था, गार्डन की, पूरा सिग्नेचर ब्रिज। भाई कैमरे की क्वालिटी की वजह से दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है सिग्नेचर कहाँ गायब हो गया? अच्छा पेड़ आ गए, सिग्नेचर दिख नहीं रहा। यही गार्डन है यहाँ का CRPF कैंप का। ये पूछता ये मोरी भाई, आदित्य भाई कितनी बार दिखाऊँ तुम्हें। चलो रस्ते में, यही उस दिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था गार्डन बढ़िया बढ़िया, लेकिन यार क्या करूँ, आज इतना दिखा भी नहीं लगा, डर लगता है यार, फिर छीन लेंगे, फिर अच्छी खासी वीडियो डिलीट हो जाएगी, सही बात है ना। चलते हैं और अब डायरेक्ट सिग्नेचर ब्रिज पर मिलते हैं, ठीक है? ओके गाइस बाय। गाइस हम लोग अब आ चुके हैं खजूरी खास, और अब हमें जाना है इस तरफ वजीराबाद की तरफ, जो कि आपको जूम आउट करके दिखाई दिया मैंने। चलो चलते हैं अब सीधा खजूरी घास के आगे वजीराबाद। फ्रेंड्स बस हम लोग बहुत करीब ही हैं सिग्नेचर ब्रिज के, आपको दिख ही रहा है सामने सिग्नेचर ब्रिज, और ये हमारे भारत का झंडा, भारत माता की जय जय। तो गाइस बस अब सिग्नेचर ब्रिज पहुँचने वाले हैं, पहुँच के फिर आपको थोड़ा सा दिखाऊँगा, फिर एक हो सकेगा तो पार्क में भी चलेंगे, ठीक है गाइस? एक पार्क भी है वहाँ पर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज, आप देख सकते हैं। आ जाओ चलते रहे भाई। यार मैं आप लोगों के लिए इतना दूर से चलाऊंगा इससे, तो बंदे तो कहेंगे कि यार ये क्या बेकार है भाई, कर लो यार, कहेंगे कितना यार ये यहाँ का ब्लॉग, यहाँ का ब्लॉग। भाई हमारे लिए यही ठीक है, हम कहीं और दूर जाते नहीं हैं, और सिग्नेचर ब्रिज हमें अच्छा लगता है तो हम यहाँ पे आए हैं। और मैं तो शायद 3री बार आ रहा हूँ ब्लॉग, पहली बार बना रहे हैं, दिखा दो भाई सिग्नेचर ब्रिज, और बाकी मैं नीचे से उसके खड़े होकर दिखा दूँगा आपको। तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे, उना तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी ता पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तू लाउण वालिए, दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तू लाउण वालिए, दिल तेरा जदों टुटूगा ता पता लगूगा, दिल नाल लारे नी तू लाउण वालिए, दिल तेरा जदों टुटूगा ता। फाइनली जहाँ आना था चैलेंज भी पूरा हो गया, इन सब भाइयों ने चैलेंज पूरा कर लिया है। मौर्य को देखो खुराफाती, हम लोग सिग्नेचर ब्रिज पे एकदम नीचे खड़े हैं और सिग्नेचर ब्रिज आ गए हैं।
भाई अभी आपको दिखा दो वहाँ भीड़ कितनी होगी। इससे बढ़िया वहाँ भीड़ पे जाने से अच्छा यहीं से ब्लॉग शूट कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई वैसे दिख बहुत दूर रहा है, ये है हमारे बिल्कुल नीचे ही, कैमरे में बहुत दूर दिख रहा है, सूरज की किरणें से मैं कितना ब्लैक ब्लैक सा आऊँगा, लेकिन इधर करूँगा कैमरा। भाई क्या क्वालिटी है यार, 1080 पिक्सल की क्वालिटी आ रही है। गाइस ये रहा, हम लोग रेलिंग पे खड़े हुए हैं, अभी चल रहे हैं मतलब इधर साइड में। गाइस अब ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हैं, चलते हैं डायरेक्ट पार्क में और फिर दिखाता हूँ आगे, क्योंकि घर जाने का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, पार्क में ब्लॉग एंड कर देंगे क्योंकि इतना लंबा ब्लॉग बन नहीं सकता। गाइस हम लोग सिग्नेचर पे बिल्कुल जस्ट नीचे आ गए हैं, आप लोग देख ही सकते हो सिग्नेचर पुल के नीचे, और यहाँ पर यमुना जी नदी है। भाई बहुत भीड़ है यार यहाँ पर आज, सिग्नेचर बीच कैसा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर यहाँ शाम को आते ना बहुत मज़ा लगता भाई। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं, पार्क तक जाने का ब्लॉग है नहीं हमारे पास टाइम। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो। फाइनली हम लोग सिग्नेचर ब्रिज पे पहुँच चुके हैं, जैसा आप देख सकते हो सिग्नेचर ब्रिज के जस्ट नीचे ही खड़ा हूँ, एक उसका पिलर ये भी है और इधर है यमुना जी, यमुना नदी, और पीछे सूरज, इसी वजह से मैं ब्लैक आ रहा हूँ, अब सही आ रहा हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, भाई भाई कह दियो भाई, बस शेयर करते यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसके कहने से तो मान जाओ यार, शेयर कर दिया करो भाई। चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।